दोस्तों YouTube के ऊपर एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हर एक YouTube पर जहाँ पे फेस करता ही करता है, और जो प्रॉब्लम है जहाँ पे व्यूज डाउन की प्रॉब्लम है। हर एक YouTube पर प्रॉब्लम जहाँ पे फेस करता है, अगर आपका शॉर्ट्स का चैनल होगा तब भी आपको जो प्रॉब्लम जहाँ पे फेस कर रहे होंगे, अगर आपका लॉन्ग वीडियो का चैनल है तब भी आपसे प्रॉब्लम जहाँ पे फेस कर रहे होंगे। शॉर्ट्स में आपसे प्रॉब्लम कैसे फेस कर रहे होंगे, स्टार्टिंग में जब आप जहाँ पर शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हो स्टार्टिंग में आपको काफ़ी अच्छे व्यूज़ देखने को मिलते होंगे, उसके बाद आपके वीडियो के ऊपर व्यूज़ रुक जाते हैं और उसके बाद जीरो व्यूज़ आता है, मतलब कोई भी व्यूज़ आपके शॉर्ट्स के ऊपर नहीं आता। और लॉन्ग वीडियो में कुछ वीडियोज़ में आपको अच्छे व्यूज़ देखने को मिल रहे होंगे और कुछ वीडियोज़ में आपको जीरो व्यूज़ यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। और काफ़ी ऐसे न्यूज़ यूट्यूबर भी हैं जो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखते हैं, उसके बाद यहाँ पे यूट्यूब को क्विट कर लेते हैं, उनको लगता है कि यूट्यूब उनके बस का खेल नहीं है और वो यहाँ पे यूट्यूब चैनल को छोड़ देते हैं, उसके बाद वो वीडियोस अपलोड करना बंद कर देते हैं। तो अगर आप भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो का एंड तक जरूर से वॉच आउट कर लेना। आज की वीडियो में आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन और अपना एक्सपीरियंस आपके साथ यहाँ पे शेयर आउट करूँगा। मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया यूट्यूब के ऊपर, तो क्या मेरा एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप भी ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस कर रहे हो आज की इस वीडियो का एंड तक जरूर से वॉच आउट कर लेना। स्वागत है आपका लवी शर्मा चैनल की एक और नई वीडियो पर। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा हुआ तो काफ़ी बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि जो भी ऑफर निकल के आते हैं उनकी वीडियो वगैरह करनी होती है, उनका डायरेक्ट लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमने किसी एप्लीकेशन किसी वेबसाइट के ऊपर वीडियो डाली होता है, जैसे ही उसमें से हम जहाँ पे विड्रॉ लेते हैं उसके पेमेंट प्रूफ भी आपको जहाँ पे मेरी स्क्रीन पर शो कर देंगे, हमें जहाँ पे टेलीग्राम पर शेयर आउट करते हैं। और बिना टाइम वेस्ट करें आज की वीडियो को जहाँ पे स्टार्टअप करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन मिले तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बता देना। सबसे पहले जहाँ पे जो प्रॉब्लम है आपको जहाँ पे शॉर्ट्स में कैसे फेस करते हो, जब भी आपको जैसे आपने मान लो कोई न्यू यूट्यूब चैनल जहाँ पे बनाया हुआ और शॉर्ट्स आप जहाँ पे अपलोड करते हो स्टार्टिंग में, जब आप जहाँ पे शॉर्ट्स अपलोड करते हो यूट्यूब आपके शॉर्ट्स को जहाँ पे रिकमेंड करता है, शेयर करता है, बूस्ट देता है आपके शॉर्ट्स, और आपको जहाँ पे इंस्टेंट व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं जो कि आपको शॉर्ट्स फीड्स के थ्रू जहाँ पे आते हैं। और आपने ये चीज़ यहाँ पे नोटिस करी होगी, जैसे ही आपने यहाँ पे शॉर्ट पब्लिक करा होगा फर्स्ट जो एक हावर होता है 30 मिनट, एक हावर के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ यहाँ पे देखने को मिलेंगे, उसके बाद आपके व्यूज़ यहाँ पे आना बंद हो जाते हैं उस शॉर्ट्स के ऊपर। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये प्रॉब्लम क्यों आती है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके यूट्यूब शॉर्ट्स आपके जो शॉर्ट्स बनाए होते हैं उसको जहाँ पे बूस्ट करता है उसको शेयर आउट करता है, तो उससे आपको इंस्टेंट व्यूज़ देखने को मिलता है। उसके बाद क्या होता है, जैसे वो जहाँ पे बूस्ट अप करता है उस पर व्यूज़ आते हैं। अब कुछ जो शॉर्ट्स आपने जहाँ पे अपलोड करे होते हैं कुछ उसको जहाँ पे फुल वॉच आउट करते हैं, कुछ जल्दी जल्दी से स्किप कर देते हैं, तो जो आपको जहाँ पे एवरेज व्यू ड्यूरेशन होता है शॉर्ट्स का अगर वो अच्छा आता है तो आपके शॉर्ट्स पे अच्छा बूस्ट आता रहेगा। अगर वो जहाँ पे कम हो जाता है और जो जहाँ पे व्यूअर्स हैं वो आपके शॉर्ट्स को जहाँ पे वॉच नहीं करते और डायरेक्ट स्वाइप अप करते हैं तो आपको शॉर्ट्स को यूट्यूब जहाँ पे बूस्ट करना बंद कर देगा। तो सबसे पहले आपने जहाँ पे क्या करना है, जो भी आप जहाँ पे शॉर्ट्स बनाओगे वो आपने छोटा बनाना, जितना छोटा शॉर्ट्स बना सको और इन्फॉर्मेटिव शॉर्ट्स बनाना है, मतलब एक भी पार्ट उसका जहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए, बोरिंग पार्ट नहीं होना चाहिए ताकि लोग उसको जहाँ पे स्वाइप अप करें। इसके अलावा और आप जहाँ पे क्या कर सकते हो, जो भी आप जहाँ पे शॉर्ट्स बनाओ ऐसे टॉपिक के ऊपर बनाओ कि वो सर्चेबल टॉपिक हो, क्योंकि जितने भी शॉर्ट्स अगर आप जहाँ पे अपलोड करोगे उसमें अगर जितने मर्जी व्यूज़ आ जाएंगे, मान लो 1 लाख भी व्यूज़ आ गया उसके बाद अगर उसको यहाँ पे बंद हो गए व्यूज़ आना, तो अगर उस आपने सर्चेबल टॉपिक के ऊपर उस शॉर्ट्स को बनाया होगा तो सर्च के थ्रू वहाँ पे लाइफ टाइम आपको व्यूज़ देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने जहाँ पे सर्चेबल टॉपिक के ऊपर शॉर्ट्स बनाया होगा तो जैसे ही जहाँ पे व्यूअर्स सर्च करेंगे, टॉपिक सर्च करेंगे, उनको आपका यहाँ पे शॉर्ट्स शो करा जाएगा स्क्रीन में जहाँ पे ब्राउज फीचर में, तो वहाँ से आपको व्यूज़ आएंगे। इसके अलावा जो जहाँ पे यूट्यूब का एल्गोरिथम है उसका भी काफ़ी बड़ा रोल होता है व्यूज़ डाउन और व्यूज़ अप में, क्योंकि जो आपको पता है यूट्यूब के ऊपर काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स और डेली काफ़ी ज़्यादा न्यू यूट्यूब चैनल जहाँ पे क्रिएट होते रहते हैं, तो जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है वो हर एक चैनल को जहाँ पे बूस्ट करता है। और ये पता है आपको जहाँ पे ईयर में काफ़ी बार जहाँ पे चेंज हो जाता है, जैसे मान लो जहाँ पे 200+ बार ईयर में चेंज हो जाता है, और जब भी ये चेंज होता है तो कुछ चैनल इसकी पकड़ में आ जाते हैं, कुछ चैनल इसकी पकड़ में नहीं आते, जो चैनल इसकी पकड़ में आ जाते हैं उनको जहाँ पे बूस्ट कर देता है, जो पकड़ में नहीं आता है तो उसमें व्यूज़ डाउन की प्रॉब्लम जहाँ पे देखने को मिलती है। और आपने भी ये चीज़ यहाँ पे नोटिस करी होगी, स्टार्टिंग में आपको चैनल को जहाँ पे यूट्यूब आपका इंप्रेशन काफ़ी ज़्यादा भेज रहा होगा, बाद में कम भेज रहा होगा, तो ये प्रॉब्लम इसी वजह से होती है। एल्गोरिथम की पकड़ में चैनल होगा तो आपको अच्छे व्यूज़ देखने को मिलेंगे, और एल्गोरिथम की पकड़ में अगर आपको चैनल नहीं होगा तो आपको व्यूज़ डाउन की प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन आपने कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ साल में कम से कम 200+ बार जहाँ पे एल्गोरिथम चेंज हो रहता है, तो अगर आपका चैनल पकड़ में नहीं होगा तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम जैसे ही उसका एल्गोरिथम फिर से जहाँ पे चेंज होगा तो फिर से आपका जो यूट्यूब चैनल है उसकी पकड़ में आ जाएगा और फिर से आपको जहाँ पे व्यूज़ देखने को मिलेंगे। अब YouTube के ऊपर जो हमारे जहाँ पे वीडियो के टॉपिक होते हैं उसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है व्यूज़ डाउन की प्रॉब्लम में। सबसे पहले अगर आप जहाँ पे एक टॉपिक के ऊपर तो डेली वीडियोस डाल नहीं सकते हो, आपको जहाँ पे टॉपिक भी चेंज करने पड़ेंगे, आपको जहाँ पे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाने पड़ेगी, और मान लो अगर आपने किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई और ऑडियंस को वो चीज़ जहाँ पे देखनी है तो उससे आपके अच्छे खासे सब्सक्राइबर आ गए, उसके बाद आप जैसे जहाँ पे नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर बनाओगे फिर से एक और बनाओगे, 2-3 उसी टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाओगे उनके ऊपर व्यूज़ आ जाएंगे, वो आपका ब्राउज़ फीचर के थ्रू भी आएंगे जिन्होंने ऑलरेडी आपकी पहले वाली वीडियो को जहाँ पे वॉच आउट करा होगा, और नेक्स्ट वीडियो यूट्यूब उनको जहाँ पर रिकमेंड करेगा वहाँ से भी आपको व्यूज़ देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपने सेम टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई होगी। बट 2-3 से ज़्यादा आप एक टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ यहाँ पे नहीं बना सकते, उसके बाद आपको जहाँ पे टॉपिक चेंज ही करना पड़ेगा।
और जो आप जहाँ पे टॉपिक चेंज करोगे वो होगा तो आपकी कैटेगरी आपके नीश के रिलेटेड, बट उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। हो सकता है अगर जैसे आपका अर्निंग का चैनल है, आपने एक एप्लीकेशन के बारे में बताया, वो सेकंड बार आप दूसरी एप्लीकेशन के बारे में जहाँ पे बता रहे हो, उस एप्लीकेशन सेकंड टाइम जिस एप्लीकेशन के बारे में आप जहाँ पे बता रहे हो उसमें ऑडियंस को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो अगर आप उन्होंने आपका चैनल को सब्सक्राइब भी करा होगा, उनको नोटिफिकेशन भी जाएगी, बट वो जैसे जहाँ पे देखेंगे कि आपने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई है, उनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो आपके वीडियो को जहाँ पे वॉच आउट नहीं करेंगे। तो इस चीज़ का भी काफ़ी ज़्यादा जहाँ पे रोल होता है। जैसे हम जहाँ पे अपने टॉपिक वगैरह चेंज करते हैं उससे भी हमारे जहाँ पे व्यूज़ डाउन की प्रॉब्लम हमें जहाँ पे देखने को मिलते हैं। कुछ वीडियोस के ऊपर हमें जहाँ पे अच्छे खासे व्यूज़ देखने को मिलते हैं क्योंकि वो ऑडियंस वो चीज़ जहाँ पे देखना चाहती है, और कुछ वीडियोस ऐसी होती है जो ऑडियंस का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता, और हम जैसे उस टॉपिक के ऊपर जहाँ पे वीडियो डालते हैं उसमें हमें जीरो व्यूज़ भी देखने को मिलता है, एक दो व्यूज़ भी देखने को मिलता है, 10-15 व्यूज़ भी हमें जहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब ये तो आपको जहाँ पे क्लियर आउट हो चुका होगा कि व्यूज़ डाउन की प्रॉब्लम क्यों होती है, अब इससे कैसे कैसे जहाँ पे बचा जाता है। तो अगर आप जहाँ पे शॉर्ट्स बना सकते हो, अगर आपको ये प्रॉब्लम जहाँ पे फेस नहीं करनी है, तो शॉर्ट्स आपने ट्राई करने कि आपने सर्चेबल शॉर्ट्स यहाँ पे बनाने, ऐसे टॉपिक जहाँ पे कवर करने जो एवरग्रीन टॉपिक हो जिसमें जहाँ पे लाइफ टाइम आपको जहाँ पे व्यूज़ देखने को मिलेंगे, उन टॉपिक के ऊपर अगर आप जहाँ पे शॉर्ट्स बनाओगे तो जैसे सर्च करोगे तो वहाँ से आपको व्यूज़ आएंगे। इसी तरह से लॉन्ग वीडियो भी आपने ऐसे टॉपिक जहाँ पे उन्हीं टॉपिक के ऊपर लॉन्ग वीडियोज़ यहाँ पे क्रिएट करनी है जो सर्चेबल टॉपिक हो। अगर आप हमारे चैनल को यहाँ पे नोटिस करते होंगे, अगर आपने पहले से हमारे चैनल यहाँ पे फॉलो करा हुआ है, तो हमारी जो हर एक वीडियो होती है वो ऐसे टॉपिक के ऊपर होती है कि जो सर्चेबल टॉपिक हो। अब हमने तो इसी प्लानिंग से हर एक वीडियो को जहाँ पे क्रिएट कर रहा था कि ये सर्चेबल टॉपिक के ऊपर जाए, उसमें से कुछ तो सर्चेबल पे चली जाती हैं जिसके ऊपर सर्चेस आती है और वहाँ से हमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ देखने को मिलती है, और कुछ ऐसे भी वीडियोस हमारी जहाँ पे निकल जाती हैं जो बिल्कुल भी उस टाइम पर जहाँ पर सर्च नहीं हो रही होती है यूट्यूब के ऊपर। तो उससे क्या होता है, उन वीडियोज़ के ऊपर हमें जहाँ पे व्यूज़ देखने को नहीं मिलते, क्योंकि जब भी कोई छोटा चैनल हो जिसके मान लो जहाँ पे 5,000 सब्सक्राइबर है, 1,000 सब्सक्राइबर है, 10,000 सब्सक्राइबर है, 15,000 सब्सक्राइबर है, इस तरह के अगर आपके सब्सक्राइबर है तो आपका चैनल काफ़ी ज़्यादा छोटा है यूट्यूब के ऊपर। तो इस टाइम पर आपको जो जहाँ पे आपको ऑडियंस की रीच करनी चाहिए वो इसी रिलेटेड करनी चाहिए कि आप जो भी वीडियो जहाँ पे क्रिएट करो वो आप सर्चेबल टॉपिक के ऊपर क्लिक करो, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस देखने को मिले। और अगर आपको उस वीडियो के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस देखने को मिलेगी, फिर यूट्यूब आपके वीडियो को भी रिकमेंड करेगा, उसको और ज़्यादा जहाँ पे बूस्ट अप करेगा। बाकी अगर आप जहाँ पे YouTube के ऊपर वर्क करते हो तो आपने व्यूज़ डाउन की प्रॉब्लम से यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं डरना है। आपने एक चीज़ यहाँ पे देखना है, जो आपका जहाँ पे ग्राफ होता है आपने एरो अप देखने, अगर आपके सभी एरो अप की साइड होंगे तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके एरो डाउन साइड है फिर आपने अपने YouTube चैनल के ऊपर थोड़ी सी टेंशन लेने की जरूरत है, थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है कि आप कौन सी जहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो जिसके आपके व्यूज़ यहाँ पे डाउन जा रहे हैं। ओवरऑल अगर आपको फर्स्ट वीक में अच्छे व्यूज़ देखने को मिलेंगे तो सेकंड वीक में आपको 100% व्यूज़ डाउन की प्रॉब्लम जहाँ पे देखने को मिलेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो, थोड़ी भी वैल्यू मिली हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।